स्टेबल करने में बड़ी जो है हेल्प मिल जाती है। तो ये चीज़ एक बहुत अच्छी बात है जो नवदीप सैनी की तरफ से आपने देखा कि बड़ी अच्छी बल्लेबाजी की, बहुत अच्छा सपोर्ट दिया मुशीर खान को, जिसके कारण मुशीर खान का वो शतक आया और बड़ा कमाल शतक था भाई। शुरू में थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे थे, गेंद भी हरकत कर रही थी, बट जिस तरह से जैसे जैसे वो टिके रहे वहाँ पे उन्होंने बैटिंग यार आसान बना दिया। 10 चौके 2 छक्के 105 रन 227 गेंदों में कमाल बल्लेबाजी। बाकी स्कोर की भी बात कर लें अगर, यशस्वी जायसवाल 30 रन 59 गेंदों में, अभिमन्यु ईश्वरन कप्तान 13 रन पे आउट हुए, सरफराज 9 रन पे आउट हुए, ऋषभ पंत 7 रन पे, नीतीश रेड्डी वॉशिंगटन सुंदर का खाता ही नहीं खोला, साई किशोर 1 रन पे आउट हुए, नवदीप सैनी अभी नॉट आउट है। और अगर गेंदबाजों की बात करें इंडिया ए की तरफ से, तो खलील को 2 विकेट, आकाशदीप को 2 विकेट, आवेश को 2 विकेट, शिवम दुबे ने गेंदबाजी की, कुलदीप यादव ने गेंदबाजी की, तनुष कौटिया ने गेंदबाजी की। तो ये ओवरऑल अगर हम गेंदबाजी और बल्लेबाजी का स्कोर कार्ड अगर हम बात करें, और इंडिया डी और इंडिया सी की भी बात कर लेते हैं, तो इंडिया डी में अगर आप देखेंगे अथर्व ताइडे, यश दुबे, श्रेयस अय्यर सब फ्लॉप, देवदत्त पडिकल का खाता नहीं खुला, रिकी भुई भी फ्लॉप हो गए, श्रीकर भरत फ्लॉप हो गए, अक्षर पटेल की बल्लेबाजी कमाल भाई बापू, मतलब दिल्ली कैपिटल्स का एक ट्वीट भी आया है कि भाई कोई बापू को बताओ कि यार T20 वर्ल्ड कप खत्म हो गया भाई, हम जीत चुके हैं, वी आर द वर्ल्ड चैंपियन। वो टेस्ट क्रिकेट में भी उस तरह की बैटिंग कर रहे थे ना भाई, शतक से चूके जरूर बट छक्के बड़े शानदार मारे, पारी पारी जो है बड़ी शानदार खेली, 6 छक्के और 6 चौके, 72 का स्ट्राइक रेट, 73 का स्ट्राइक रेट लगभग। तो भाई अक्षर पटेल कमाल फॉर्म है बापू यार, और कुछ भी कहो मतलब बांग्लादेश के खिलाफ जो सीरीज़ होने वाली है ना, वहाँ पर अक्षर पटेल को तो ड्रॉप नहीं कर सकते। आप एक बार रविंद्र जडेजा के बारे में सोच लोगे, हालांकि रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल और अश्विन, ये तीनों आपके फ्रंट लाइन ऑलराउंडर्स रहेंगे उस मैच के लिए। हो सकता है कुलदीप भी खेल जाएँ अगर चेन्नई में पिच जो है बिल्कुल स्पिन वाली होगी, बट अश्विन, जडेजा और अक्षर पटेल ये तीनों आपकी टीम में रहेंगे, और अक्षर पटेल तो मोस्ट प्रोबेबली 100% आपकी टीम में होना चाहिए, क्योंकि बंदा बैटिंग भी कर रहा है, बंदा गेंदबाजी भी कर रहा है, बंदा फील्डिंग भी कर रहा है। और दिल्ली कैपिटल्स भले ही उनको अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाई हो, बट अक्षर पटेल के अगर पिछले 2 से 3 साल देखें, और ये स्पेशली अगर हम साल देखें, तो भाई साहब बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग हर डिपार्टमेंट में अक्षर पटेल ने वाइड बॉल फॉर्मेट में रविंद्र जडेजा को पीछे छोड़ दिया है, और इसी के चलते कहीं ना कहीं जड्डू का T20 से संन्यास भी आया। वनडे में अभी भी जड्डू है, बट अगर वनडे में भी बात की जाए ना, तो अक्षर पटेल का फॉर्म कमाल चल रहा है, बैटिंग में भी, बॉलिंग में भी, और टेस्ट में भी। अब वो कहीं ना कहीं रविंद्र जडेजा की रिप्लेसमेंट बनने की पूरी कोशिश है कि यार जड्डू को नहीं खिलाओ तो भी चल जाएगा, बट अक्षर पटेल को खिलाना पड़ेगा, इस तरह का कहीं ना कहीं स्टेटमेंट वो अपनी परफॉर्मेंस से दे रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है अक्षर पटेल के लिए और भारत के क्रिकेट के लिए, कि अक्षर पटेल नीचे बैटिंग में ऑर्डर करने आते हैं बट अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, टीम को संभालते हैं, और कमाल का प्रदर्शन भाई, और हिटिंग भी शानदार, 6 चौके 6 छक्के अगर वो लगा रहे हैं टेस्ट क्रिकेट में, तो यार फिर तो यार आपको बड़ी सोचने वाली बात है। बाकी गेंदबाजी में विजय कुमार विशक, इन्होंने बहुत अच्छी गेंदबाजी की, 3 विकेट लिए 12 ओवर में, अंशुल कंबोज, हिमांशु चौहान, मानव सुथार, ऋतिक शौकीन। तो एक बात करें आज का पूरा दिन जो दलीप ट्रॉफी में रहा, वो इंडिया ए और इंडिया बी के ज़्यादा नाम रहा, इंडिया सी इंडिया डी में गिनी चुनी तुक्की वाली अच्छी परफॉर्मेंस आई है, मतलब तुक्के वाली नहीं कहूँगा, मतलब गिनी चुनी अक्षर पटेल की एक अच्छी बैटिंग परफॉर्मेंस आई है, गेंदबाजी की अच्छी आई है। बाकी वहाँ पर फ्लॉप होते हुए ज़्यादा देखे लोग, इंडिया ए इंडिया बी के मैच की बात करें तो भैया शुभमन गिल का कैच बड़ा हाईलाइटेड रहा, मुशीर खान की ऑब्वियसली सेंचुरी हाईलाइटेड रही, और नवदीप सैनी की वो टिकाऊ बल्लेबाजी वो भी बड़ी जो है सुर्खियों में बनी रही। तो एक ओवरऑल दलीप ट्रॉफी का अच्छा दिन गुजरा डे वन, और डे टू में हम उम्मीद करेंगे कि वापस से एक एक्साइटिंग मैच वहाँ पर स्टार्ट हो, और इंडिया बी पर अब थोड़ा सा प्रेशर रहेगा, क्योंकि बॉल नहीं इंडिया ए को मिल जाएगी 80 ओवर के बाद, और वहाँ पर फिर गेंद हरकत कर सकती है। तो मुशीर खान क्या इस सेंचुरी को बड़ी पारी में बदल पाते, क्या 150 या 200 बना पाते, ये एक बहुत बड़ा सवाल रहेगा। और उधर बात करें तो इंडिया सी किस तरह से वहाँ पर बैटिंग करता है वो एक देखने वाली बात रहेगी। तो ये पूरा दलीप ट्रॉफी का जो मिला जुला पूरा लेखा जोखा है, लबो लुआब यह है, इंडिया बी टीम फिलहाल अच्छे खासी कंडीशन में है, ये नहीं कहूँगा कि आगे है बट अच्छी खासी कंडीशन में। वहाँ पर इंडिया सी जो टीम है वो थोड़ी सी अभी कहीं ना कहीं अच्छी कंडीशन में होगी, 4 विकेट गिरे हैं बट फिर भी 73 रन शायद पीछे, तो वो गेटेबल स्कोर है कि लीड आप चढ़ा सकते हो इंडिया डी टीम पर। तो ये एक पूरा दलीप ट्रॉफी का डे वन का हाईलाइट समझिए, जहाँ पर मैंने आपको सारी जानकारी दी, स्कोर कार्ड बताया, स्टैंड आउट परफॉर्मेंस बताई, किसकी अच्छी बैटिंग रही, किसकी बॉलिंग अच्छी रही, और किसकी बल्लेबाजी फ्लॉप और किसकी गेंदबाजी फ्लॉप, ये पूरा आइडिया मैंने